अक्सर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल ज्यादा उलझे हुए नहीं होते कितनी बार अक्सर जीवन और मृत्यु की बातों को सीक्रेट, सीक्रेट कोड या भेद की, भेद की कोई जरूरत नहीं होती है या किसी चीज की माने अक्सर देखा है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल बहुत ही स्पष्ट होते हैं बहुत ही स्पष्ट होते हैं बस एक ही सवाल और यीशु जानता था कि कि लोग थे और हमेशा विभाजित होंगे कि वो कौन हैं कुछ भी हो केवल एक ही बार परमेश्वर मनुष्य बना था उसके पहले या उसके बाद किसी ने दावा नहीं किया कि या अपने होटों से यह दावा करके उसे साबित किया हो और वो जानता था कि यही केस होगा इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है संसार की सारी इंश्योरेंस पॉलिसी से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये सारी संपत्ति और सारे जायदाद से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये किसी के भी नेटवर्क से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी की कीमत या संपत्ति से या फिर किसी के धन से भी ये जीवन की सारी सफलता से भी आज ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे सवालों का सवाल है और यही मुख्य सवाल है और यही वो सवाल है जो इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये इस पल का सवाल है इस पल का सवाल देखिए यीशु जानता था कि इस सवाल का जवाब का अर्थ है कि एक तो उसके साथ अनंत काल का जीवन होगा या फिर ए में अनंत काल का दुख होगा यीशु जानता था कि कोई भी इस सवाल के जवाब से नहीं बच सकता है यीशु जानता था कि हर एक व्यक्ति अंतिम जगह पर होगा जब तक कि वो व्यक्ति इस सवाल का जवाब ना दे जवाब है और गलत जवाब भी है जैसे हमने पिछले कुछ संदेशों में देखा है डी बंकिंग दिन जिसे आज मैं खत्म करने वाला हूं जैसे हमने देखा है कि कैसे बहुत से लोगों ने यीशु के समय से लेकर आज तक वो केवल गलत जवाब दे रहे हैं इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल को देखिए कुछ लोग द विंसी कोड के लेखक जैसे जवाब दे रहे हैं या और कुछ नहीं पुरानी गलत बात है ये नए ड्रेस में आई है एक तो मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करे या फिर मसीह के मनुष्यत्व का इनकार करे या फिर दोनों और हमने देखा कि यह गलत जवाब है और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रभु वचन पढ़ने के द्वारा कि कैसे हम में से हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति सही जवाब दे सकता है या गलत जवाब मेरे साथ निकाले प्लीज मती सोला जब यीशु कैसरिया फिलिपी में आता है तो वो अपने चेहरों से पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं उन्होंने जवाब दिया कुछ कहते हैं योहन्ना दाता, कुछ कहते हैं एलिया और कुछ लोग कहते हैं कि या भविष्य वक्ताओं में से एक लेकिन तुम क्या कहते यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं शामोन पत्रोस ने कहा तू मसीह है जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु ने उत्तर दिया हे योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है पिता यीशु की नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा की सामत हर दिल के भीतर जाए जो इस जगह पर हैं और स्क्रीन पर देख रहे हैं यीशु के नाम में अमेन I mean, बैठ जाइए प्लीज यीशु के साथ ढाई साल तक जीने और चलने के बाद यीशु के बहुत ही करीबी रूप में देखने के ढाई साल के बाद चमत्कार का अनुभव करने के बाद उनकी शिक्षा सुनने के बाद सीधे होटों से आने वाली सच्चाई सुनने के बाद बड़े भीड़ और धार्मिक अगुओं को भेजने के बाद उसे एकांत में सुनने के द्वारा उसे देखने के बाद की उसे जबरदस्ती राजा बनाने की भीड़ की इच्छा का इनकार करने के बाद उसे और शास्त्रियों का सामना करते देखने के बाद अब वो कैसरिया फिलिपी जाता है ये बहुत अच्छा कारण है कि वो वहां कहा गया और वो उनसे कहता है कि ये वास्तविकता जांचने का समय है वो उनसे कहता है कि ये निर्णय लेने का समय है ये समय है कि सच्चाई जान ले या तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इन वचनों के बारे में महत्वपूर्ण वचनों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप पहले संदर्भ देख लें दूसरा मैं चाहता हूं कि आप चुनौती देख लें और तीसरा मैं चाहता हूं कि आप निष्कर्ष देख लें संदर्भ या सेटिंग जिसमें यीशु अपने चेलों से यह पूछता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कैसरिया फिलिपी को में कहा जाता था या पेनायास ये आधारित है ग्रीक भाषा में कैसे उच्चारण करते हैं और यह ग्रीक देवता पैन के नाम पर है अन्य जाति के लोग कहते हैं कि ग्रीक देवता पैन का जन्म शहर के पास ही एक गुफा में हुआ था लेकिन केसर अगर ने पूरा प्रांत भेद के रूप में दे दिया महान हेरोदेश को इसलिए महान हेरोदेश का बेटा जिसका नाम फिलिप था उसने इसे कैसरिया फिलिपी नाम दे दिया ताकि कैसर का आदर करें जिसे यह प्रांत उसके पिता को दिया लेकिन साथ अपने नाम को महिमा भी दें लेकिन कैसरिया फिलिपी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था और यह महत्वपूर्ण शहर है कि अपने चेहरों से बात करें क्योंकि एक ऐसा शहर था जो चौराहे पर था चौराहे पर यहूदी और अन्य जाति के परंपरा पर कैसरिया फिलिपे ऐसे जगह थी जहां परमेश्वर के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण बहुत बढ़ रहे थे बहुत ही बढ़ रहे थे कसरिया फ़िलिपी में अनेकता थी और बहुत से देवता थे और देवी भी थे जो चाहते थे कि उनके उनके अगवे बढ़ते जाएं। इसलिए यह जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सावधानी से चुनी गई थी यह ऐसा ही अकस्मात नहीं हुआ था ये ऐसा नहीं था हां यह जगह दूसरों से अच्छी है यह सावधानी से चुनी गई थी क्यों क्योंकि इस अनेकता वादी परंपरा के बीच में इस सबसे ज्यादा देवी और देवताओं के बीच में इस विश्वास ना करने वाले यहूदी शहर के बीच में यीशु अपने चैनलों से कहता है कि जैसे कहना चाहता है मैं जानता हूं कि दूसरे विचार क्या हैं परमेश्वर के बारे में मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं इसके बारे में गड़बड़ी में लाने वाला विचार क्या है मैं जानता हूं कि बहुत से भरमाने वाले बाबा हैं मैं जानता हूं कि इस शहर में बहुत से दूसरे विचारों की हवा इस शहर में बह रही है इसलिए मुझे बताओ तुमने क्या सुना क्या ये सच में जानते हैं कि मैं कौन हूं क्या वहां कोई है जो सच में जानता है कि मैं कौन हूं कौन हूं मैं इसलिए मत्ती सोलह का वचन तेरह में वो पूछता है कि लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है यीशु को मनुष्य का पुत्र यह शब्द बहुत ही पसंद है जानते हैं क्यों क्योंकि दानियल जो महान भविष्य वक्ता था उसने मसीह के सैकड़ों साल पहले जब उसने अध्याय साथ वचन तेरह में भविष्यवाणी की थी उसने मसीहा को मनुष्य का पुत्र कहा था और यीशु किस नाम का उपयोग करना पसंद है मनुष्य का पुत्र यह ऐसी बात नहीं थी कि यीशु नहीं जानते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं पर वो उस समय चाहता था कि उसके चेले और आज भी आज भी वो चाहता है कि उसके विश्वासी तथ्य से सच्चाई को सच्चाई को अलग कर लें यही नहीं वो उस समय चाहता था कि उसके चेले और आज और आज तथ्य और सच्चाई का फर्क जान ले झूठ से सत्य अलग कर ले अलग कर ले धोखे में से बने रहने वाली चीज जान ले बिल्कुल जैसे आज भी कहा जाता है हम में से हर एक को बुलाया गया है कि हम फर्क को जान ले और सारी चका चांद और सारे झूठ और सत्य का फर्क जान इसलिए कुछ ने कहा बपतिस्मा अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि क्या हो रहा है यूहना बपतिस्मा देने वाले कुछ समय पहले मर गया था तो योहना को बबतिस क्यों कहा मैं बताना चाहता हूँ क्यों ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी बाइबल में शायद बस एक पन्ना पीछे जाएं, देखिए वचन चौदह एक और दो मैं आपको अगुवाई की सामर्थ बताना चाहूंगा राजा हेरोना योहन्ना को मारा था अन्याय से अन्याय से और गलत रीति से जो अपने दिल में जानता था, था कि उसने गलत किया है और वो डर गया जब उसने यीशु की सामर्थ देखी अलौकिक सामर्थ देखी कि बीमारों को चंगाई दे मुर्दों को जिलाए वो डर गया योहन्ना बबती दाता मुर्दों में से जी उठा है कि बदला ले और उसे मार दे, देखिए योहन्ना बबा ने सच्चाई का प्रचार किया और उसे यह पसंद नहीं आया वास्तव में राजमहल के सारी स्त्रियों को यह पसंद नहीं आया क्योंकि वह प्रचार करता था शुद्धता और पवित्रता का और इसलिए उसने उसे मारा और उसका सिर काट दिया लेकिन उसका विवेक देखिए हालांकि वह मनुष्य मर गया था लेकिन उसका विवेक इनके अंदर जल रहा था दोष भावना के बारे में बता दोष भावना सामर्थ्य शक्ति है और उसे निपटने का एक ही तरीका है और वो है कि उसे यीशु के के लहू नीचे रखें। और, इस की भावना और इसके विवेक में जलने वाली आग थी तो उसने सोचा कि वो एलिया है जो जीवित हुआ है बहुत यहूदी विश्वास करते हैं कि एलिया सबसे बड़ा भविष्य वक्ता है सबसे बड़ा भविष्य वक्ता वो विश्वास करते हैं कि वो वापस आएगा और इसलिए इसलिए कुछ आधुनिक आधुनिक फसा में वो एक एक खाली कुर्सी रखते हैं मेज के पास, के पास एलिया लिए वो भी इस आशा में कि वो वापस आकर घोषणा करेगा कि आने वाला मसीहा है और कुछ कहते थे कि यर्मिया है और यरमिया पुराने नियम का बहुत ही आदरणीय भविष्यवक्ता था कुछ यहूदी विश्वास करते हैं कि जब मसीहा आएगा मसीहा आएगा वो अपना राज्य स्थापित करेगा एलिया भी आएगा वो संदूक सही करेगा वो वेदी सही करेगा कि कि मंदिर एक बनाए जाए इन तीनों व्यक्ति जिनके लिए सोचा कि यीशु यही है वो सोचते थे, थे कि ये मसीह के आने के पहले ही आएंगे लेकिन मसीहा नहीं होंगे वो सोचते थे कि इसके पास अलौकिक शक्ति है लेकिन ये मसीहा नहीं है राज यही कर रहा है कि पूरे संसार में करोड़ों लोगों को भरमाए डेन ब्राउन कहते हैं कि यीशु ने नियुक्त किया कि उसकी नहीं लेकिन मरियम मगदलनी की आराधना की जाए और हमने इस बड़े मोटे झूठ के पीछे का मकसद को देखा है आज पर उसने कहा कि यीशु परमेश्वर का अलौकिक पुत्र नहीं है जब तक कि ने उसे अलौकिक यीशु जैसे उसके बारे में नास्तिक सुसमाचार में बताया है कि वो सच में कौन था और कई सुसमाचार इसके ईश्वरत्व का इनकार भी करते हैं हमने इस तरह इस तरह की सोच का मतभेद और धोखा को देखा है लोग यीशु का विवरण देना चाहते हैं बाकी सब तरीके से लेकिन वो कौन था और कौन है इसे छोड़कर वो सच्चाई पर विश्वास करने से इनकार करते हैं वो जान बोझ कर इसे चुभा कर और कुछ देखना चाहते हैं ताकि सत्य को छोड़ और कुछ पकड़ ले वो।, वो बेकार की चीजें लेना चाहते हैं इसके बजाय कि वो जीवन ले जो यीशु देना चाहते हैं वो गाना चाहते हैं मैंने इस तरीके से किया है यह नहीं कि प्रभु के तरीके से किया है यही संदर्भ है यही संदर्भ है दूसरी बात यहां चुनौती थी यशु ने अपने चेलों की तथ्य से सत्य अलग करने में मदद करने के बाद सत्य को तथ्य से अलग करने में मदद करने के बाद उसने कहा ठीक है तुमने मुझे ये घड़न बात बताई है तुमने पड़ोस से आने वाली बातों को बातों को बताया लेकिन वो उन क्या को मैं देखता है और बहुत ही व्यक्तिगत होता है मैं आशा करता हूं कि मैं यही कह रहा आप सबसे जो यहां बैठे और आप लोग जो देख रहे हैं तुम क्या कहते हो कि कौन हूं मैं तुम मेरे साथ अच्छे और बुरे समय में थे तुमने मेरे साथ संगति का अनुभव किया है तुमने प्रार्थनाओं के उत्तर देखे हैं तुमने बीमारों को चंगे होते देखा है तुमने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा है तुमने मेरी शिक्षा सुनी है तुमने मुझे बाइबल की झूठी शिक्षा को सही करते हुए सुना है तुमने मेरा दावा सुना है कि मैं और पिता एक है कि मैं ही जगत की ज्योति हूं और मैं ही जीवन की रोटी हूं कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं तुमने सुना कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं और मैं ही भेड़ शाला का द्वार हूं भेड़ शाला का द्वार हूं इसके पहले की इब्राहिम होता था मैं हूं यानी तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं मुझे सही सुन ले सब कुछ आधारित है इस जवाब पर जो इस सवाल का है सब कुछ संतुलन में होता है सब कुछ जीवन में सब कुछ संतुलन में होता है इस सवाल के जवाब पर सब आधारित है सही जवाब पर वेंसी कोर के बाद जो इतिहास की स्क्रीन पर आया सारी झूठी बातें खत्म होने के बाद सारे सिद्धांत के आने और जाने के बाद सब दृश्य और काल्पनिक बातें उड़ने के बाद सारी गड़बड़ी खत्म हो जाने के बाद यीशु हम सबसे पूछ रहा है तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम क्या विश्वास करते हो कि मैं कौन हूं जैसे यीशु हम सबसे कह रहा है मुझे ध्यान से सुनिए प्लीज वो हम सब से कह रहा कि याद रखो मैंने ही तुम्हें आशीष दी है याद रखो कि मैंने ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है याद रखो मैंने ही तुम्हें चंगा किया था याद रखो मैंने ही तुम्हारी सेवा की जब किसी ने नहीं की थी याद रखो कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें जीवन दिया और आज इस जगह तक लाया हूँ तुम्हें याद रखो कि मैं ही वो हूँ जिसने बहुत से तरीकों से मेरा प्रेम तुम्हारे लिए प्रकट किया है आज जिनमें से कुछ तुम जानते हो और कुछ नहीं जानते हो और मैं ही वो हूँ जो इस गड़बड़ी के बीच में आज तुमसे पूछ रहा हूँ तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम मेरे बारे में लोगों से क्या कहते हो बोलो तुम गवाही कैसे देते हो मेरे बारे में तुम कैसे खर्च करते हो अपना जीवन अपना समय और अपना धन अपनी शक्ति अपने स्त्रोत्रों को मेरे साथ संबंध में तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं जब सब कुछ कहा और हो गया ये हर व्यक्ति की बात आती है व्यक्तिगत रूप में जब आप अकेले खड़े रहते हैं प्रभु के सामने देखिये यीशु जानता था कि ये बारह हर तरह के गड़बड़े की बातें सुन रहे हैं यीशु के बारे में हालांकि वह उसके साथ चले उसके साथ जिए लेकिन देखिए उन्हें हर तरह की अजीब सी बातें सिखाई गई थी मसीहा के आने के बारे में वो जानता था कि वह गड़बड़ी की बातें सुन रहे थे गलत दृष्टिकोण और गलत विचार को सुन रहे थे लेकिन वो साथ ही जानता था कि वह इस गड़बड़ी को बनाए नहीं रख सकता था वो जानता था कि ये गड़बड़ी उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी चाहे इस जीवन में या आने वाले जीवन में इसलिए तीसरी बात आती है निष्कर्ष मैं चाहता हूं कि आप मत्ती सोलह सोलह को देखिए क्या आप कहेंगे मत्ती सोलह सोलह पूरा मसे ही विश्वास इस वचन पर आधारित है पत्रस ने यही कहा तो हे मसीहा है कृषि का यही अर्थ है जीवित परमेश्वर का पुत्र है तू ही मसीहा है जो हमारे लोगों की आशा और सपनों की पूर्ति है पूर्ति तू ही मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा किए थे जो मनुष्य जाति को छुड़ाने वाला है तू ही अलौकिक परमेश्वर है मनुष्य के शरीर में तू ही सिद्ध पाप रहित पवित्र धर्मी और पूरा प्रकटिकरण है पिता परमेश्वर का क्योंकि पुराने नियम में और इब्रानी भाषा में पुत्र शब्द का यही सही अर्थ था कि वो अपने पिता का पूरा प्रगटीकरण है पूरा प्रगटीकरण मुझे ध्यान से सुनिए आपको समझना होगा कि चले संगी यहूदियों जैसे ही और उन्हें सिखाया गया था कि मसीह आएगा और अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करेगा कि उन्हें छुड़ाएगा रोमी शासन से और उन्हें राजनीतिक आजादी और स्वतंत्रता देगा अवश्य आजादी और स्वतंत्रता देगा यहां तक कि योहन्ना बपतिस भी कई बार सोचने लगा कि जब वो जेल में था उसने यीशु के पास संदेश भेजा और कहा कि क्या तू वही है या हम और किसी की राह को देखें देखिए सबूतों के बावजूद वो गड़बड़ी में थे योहना बबतीदाता जैसे बारह चले जा रहे थे महान विश्वास के पल और एक बड़े शक के पल में वो जा रहे थे और यीशु इतना दयालु था उन पर इतना धीरज था उन्हें ढाई साल लग गए कि अपने जीवन में इस जगह पर आए इसलिए बारह चलों की ओर से पत्रस ने घोषणा की पत्रस ने घोषणा की तो ही यह परमेश्वर का पूरा प्रगटीकरण है तो उसे कम नहीं है यीशु तू और कोई नहीं बस बस ईश्वरों का परमेश्वर है सृष्टि करता प्रभु और संसार का रचयिता है ऐसा परमेश्वर जो इन ग्रीक और रोमी देवता जैसा बिल्कुल नहीं है जो कैसरिया और फिलिपी में आकर चले गए लेकिन तू ही असली है इसलिए यीशु ने उससे कहा वचन सत्रह में योना के पुत्र शामोन तू धन्य है क्योंकि मनुष्य के द्वारा तुझ पर यह प्रकट नहीं हुआ है पर मेरे स्वर्ग के पिता ने प्रकट किया है जैसे मैं खत्म करता हूं प्लीज मुझे गौर से सुनिए जैसे मैं खत्म करता हूं मुझे गौर से सुनिए पिता परमेश्वर अभी भी प्रकट करता है कि उसका पुत्र कौन है उन सब पर जो मांगते हैं अगर आप उसे खोजें अपने पूरे दिल से तो उसे पाएंगे यही प्रभु की प्रतिज्ञा है प्रभु सबको आशीष देगा जो उसके पुत्र को पहचानता है जो मसीहा परमेश्वर है राजपिता परमेश्वर प्रति उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार है उन सब को जो हैं, जो मांगते हैं, हैं मांगते और जो सब खोजते हैं अगर आप आज मसीह में सत्य खोज रहे हैं तो उसे पाएंगे आप इन दरवाजे नहीं जाएंगे उसे जाने बिना अपने प्राण के उद्धारक और जीवन के स्वामी के रूप में केवल यही संदेश इस चर्च में प्रचार किया जाएगा जब तक प्रभु मुझे विश्वास देता है आमें, आमें। प्रभु को महिमा दें, देवेन क्योंकि मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि कोई सच्ची आशीष नहीं है मैं सच्ची आशीष कह रहा हूं मैं चीजों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं जीवन में सच्ची आशीष के बारे में कह रहा हूं इस अंगीकार के बिना सच्ची आशीष नहीं है उस अंगीकार के बिना कोई उद्धार नहीं होगा उस अंगीकार के बिना कोई आनंद जीवन नहीं होगा उस अंगीकार के बिना स्वर की कोई आशा नहीं होगी इस जीवन में मन की कोई शांति नहीं होगी उस अंगीकार के बिना कोई सच्चा भेतरी आनंद नहीं होगा उस अंगीकार के बिना तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो इस बिल्डिंग में है पूरे संसार में वो देख रहे हैं यही कहे मते सोला सोलह क्या आप मेरे साथ फिर से कहेंगे माते सोला सोला दो तो मसीह है परमेश्वर का पुत्र अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नज़दीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका सात पद जो विश्वास बढ़ाता है परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए निरंतर अपडेट्स पाए दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं। अपने प्रार्थना निवेदन बांटे जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए आज ही वर्ल्ड रिवाइवल डॉट पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के साथ